फिलहाल अभी आप देख पा रहे हैं कि मेरे इंस्टाग्राम में जो है ब्लू टिक अवेलेबल है, और ये सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर मेरे इंस्टाग्राम में ब्लू टिक अवेलेबल हो गया, मतलब लग गया है। ये मैंने 699 रुपए में मतलब लिया हुआ हूँ जो प्लान है, जो भी इंस्टाग्राम का प्लान है वो। और आप लोग किस तरीके से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में, अपनी इंस्टाग्राम आईडी में ये वेरिफिकेशन बैच जो है ब्लू टिक लगवा सकते हैं, सिंपली इजी मेथड है। बस ये है, आप उसके एलिजिबल होने चाहिए उस क्राइटेरिया के, मतलब ये ब्लू टिक लगवाने के लिए। पैसा तो हर कोई दे सकता है, लेकिन हर एक की आईडी वेरीफाई नहीं हो सकती, हर एक का क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं होता है। और क्या क्या इसकी पॉलिसी है और किस तरीके से आप किस में लगेगा ये आगे बता दूंगा मैं वीडियो में। फिलहाल अगर मुझे मतलब फॉलो नहीं करके रखा है इंस्टाग्राम में या नहीं जानते हैं तो प्लीज़ इंस्टाग्राम में जाके फॉलो करें, और ये मेरा यूट्यूब चैनल है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ऐसी हेल्पफुल वीडियो मेरे चैनल पर आते रहती है। और इसका जो प्लान है ये 699 वाला है, जो कि फ़िलहाल इंस्टाग्राम मेटा ने लॉन्च किया हुआ है। और आपको सिंपली इसे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसकी मतलब जो आपकी आईडी है, सबसे पहले आपकी आईडी, आपका जो 18 साल है वो कंप्लीट होना चाहिए, प्लस आपकी आईडी नई नहीं होनी चाहिए, पुरानी होनी चाहिए, क्योंकि नई आईडी से अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको सालों लग सकते हैं वेरिफिकेशन बैच मिलने से। लेकिन आपकी अगर आईडी पुरानी है तो आपको शायद करेंटली जल्दी मिल जाए, या फिर आपका जो अकाउंट है कुछ ऐसा वर्क करते हैं जैसे रीच ज़्यादा आती है, तो आपको भी वेरिफिकेशन बैच के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा। फिलहाल मेरे अकाउंट में मैं कुछ ऐसे पोस्ट वगैरह करते रहता हूँ, इस वजह से मुझे वेरिफिकेशन बैच जो है वो तुरंत के तुरंत जल्दी ही मिल गया था, अप्लाई करते ही एक दो दिन में मुझे वेरिफिकेशन बैच मिल गया था। और आपके लिए मैं बता दूँ आपको कैसा कैसा करना है, और जो अकाउंट है वो मतलब आपका ही होना चाहिए। अगर आप बिजनेस अकाउंट बनाते तो उसके लिए फ़िलहाल ये पेड वाला अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आपको अगर बड़ी कंपनी होती तो ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन इंस्टाग्राम खुद कर देता है, लेकिन आपका जो पर्सनल अकाउंट है उसी के लिए हो सकता है, और आप वो अकाउंट को खुद हैंडल करना चाहिए इस तरीके से। और आगे आपको बताता हूँ आप किस तरीके से मतलब इसको वेरीफाई वगैरह कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे स्क्रीन पर चलते हैं। फिलहाल आपको स्क्रीन साइड में दिख रही होगी, स्क्रीन साइड में दिख रही है तो आपको सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम में जाना है। इंस्टाग्राम में जो मेरा अकाउंट है ये जो है ये मेरा वेरीफाई वाला अकाउंट है, लेकिन मेरे एक और अकाउंट है उसको बताता हूँ आप उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल देखिए मेरे फॉलोअर्स भी कम है, फिर भी मुझे वेरिफिकेशन बैच यहाँ पे मिल गया ब्लू टिक है, और जाके फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन है तो आप सिंपली मुझे इंस्टाग्राम में आके रीच कर सकते हैं, वहाँ पे आप डायरेक्ट मतलब सवाल जवाब जो भी आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो करें और वहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन है तो ब्लू टिक वगैरह या फिर किसी भी टेक रिलेटेड से, जैसे आप मेरी वीडियो में देखते हैं। तो अब मैं जो अपना अकाउंट चेंज करता हूँ, क्योंकि अभी आपको बताना है आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये मेरा सेकेंड अकाउंट है टेक संदीप शॉर्ट करके, और यहाँ पे देख सकते हैं मेरी एक ही दो पोस्ट है, और ये जो फ़िलहाल नया अकाउंट है इसमें वेरिफिकेशन बैच मिलना अभी तो पॉसिबल ही नहीं है इसके लिए। और जो मतलब पेड वाला ख़रीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये थ्री लाइन है यहाँ पर जाना होगा, यहाँ पर आपको सिंपली नीचे दिख रहा है मेटा वेरीफाइड, यहाँ पर जाने के बाद आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, या आपकी इसमें ब्लू कलर का भी दिख सकता है, किसी भी तरीके का दिख सकता है। फिलहाल मैं जो यहाँ पे मैंने वेटिंग लिस्ट पे नहीं किया अप्लाई करके रखा हूँ, इसलिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है यू आर ऑन वेटिंग लिस्ट, लेकिन इसके लिए आपको सिंपली ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अपने अकाउंट में जाएंगे, अकाउंट सेंटर में जाएंगे, अकाउंट सेंटर में जाने के बाद यहाँ पर मेटा वेरीफाइड का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली जाके इस पर क्लिक कर देना है। अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक बार और बता देता हूँ, आपको सिंपली थ्री डॉट में जाना है, ये मेटा वेरीफाइड यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा आपकी इसमें, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे मतलब अप्लाई करके रखा हूँ, इसलिए यहाँ पे आपको सिंपली ओके कर देना, आपके इसमें अप्लाई या फिर ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, उसे ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करते ही आपको तब तक के रुकना होगा जब तक कि इंस्टाग्राम खुद आपको रीच नहीं करता है, आपको ईमेल भेजेगा, या फिर आपको जैसे आपका इंस्टाग्राम होता है तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा वगैरह वगैरह का। जैसे मैं दिखाता हूँ मुझे ओरिजिनल वाले अकाउंट में किस तरीके का नोटिफिकेशन आया था, यहाँ पर आप जा सकते हैं, ये मेटा वेरीफिकेशन सब्सिक्वेंट इज़ नॉट एक्टिव, ये तो इसलिए एक्टिव नहीं हुआ था क्योंकि मेरी आइडेंटिटी वहाँ पे सबमिट नहीं किया था मैंने। आपको जब आपको मतलब इंस्टाग्राम खुद मैसेज कर देगा तो आपको वहाँ पे क्या करना है, अपना आधार कार्ड वहाँ पे
जो है नेशनल आईडी मांगेगा, आपको स्टेट आईडी नहीं डालना है, नेशनल आईडी डालना है। नेशनल आईडी में आप आधार कार्ड सबमिट कर देंगे या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको जो पेमेंट का ऑप्शन आएगा पेमेंट कर देना, पेमेंट यूपीआई या ऑनलाइन किसी भी तरीके से हो सकता है पेमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपको कुछ 24 घंटे तक का वेट करना, अगर आपका सब कुछ वेरिफिकेशन है ठीक ठाक हो जाएगा तो आपको 24 घंटे के अंदर वेरीफाई बैच जो है आपकी आईडी पे लग जाएगा। लेकिन कई सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है वहाँ पे, जो आपकी जो फोटो है प्रोफाइल फ़ोटो आपको पूरा जैसे मैं अभी दिख रहा हूँ ना ऐसी प्रोफाइल फ़ोटो आपको डालना पड़ेगा, आपका फेस वगैरह अच्छे से दिखना चाहिए। अगर वहाँ पे कोई और फ़ोटो वगैरह रखते हैं या फिर किसी भी मतलब फिल्टर विल्टर लगा के फ़ोटो रखते हैं वो मतलब वेरिफिकेशन नहीं होगा, फिर आपका कैंसिल हो जाएगा। इसलिए आपको अच्छी खासी फ़ोटो रखनी है ताकि आपका चेहरा पहचान में आए, क्योंकि वहाँ पर सब काम कंप्यूटर द्वारा ही होता है तो आदमी तो वहाँ देखता नहीं है इसलिए। और जब आपका ये कंफर्म हो जाएगा तो आपको एक्टिव करना होगा, फिलहाल मेरा एक्टिवेट है इसलिए कंटिन्यू ऐसा ऑप्शन आएगा और आपको एक्टिवेट कर देना है, ज़्यादा कोई झमेला नहीं है। और अगर आपका कैंसिल हो जाता है या फिर आपने कोई वॉयलेंस वगैरह किया होगा, कुछ उटपटांग की वीडियो आपने अपलोड करके रखा होगा, जैसे यूट्यूब वगैरह में आपको कॉपीराइट क्लेम वगैरह आता है उस तरीके से आपकी क्लेम आती है, जब तक वो क्लेम हटेगी नहीं तब तक आप वेरिफिकेशन वगैरह के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिलहाल आपको वीडियो समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग नई वीडियो के लिए, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।